से जो सीओपीडी के पेशेंट रहते हैं उसमें तकलीफ क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम सीओपीडी वाले पेशेंट्स को खांसी होती है और खांसी से ज़्यादा उनको बलगम ज़्यादा बनता है। पेशेंट कई बार पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि सर बलगम रोज़ बनता है, खांसी कम रहती है लेकिन बलगम रोज़ होता है। यही पेशेंट सीओपीडी वाले पेशेंट जब आगे बढ़ते हैं बीमारी, तो आगे बढ़ने से सांस लेने में तकलीफ होना चालू होता है, छाती में दर्द होना या छाती चेस्ट फुली रहती है और थोड़ा सा भी चलने के बाद थक जाने की तकलीफ होती है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है तब पैरों में सूजन आना स्टार्ट होता है और हार्ट बीट इरेगुलर होना या फिर कई बार चक्कर आके गिर जाना, ये प्रॉब्लम्स भी होना चालू होता है। और आगे जाके ऑक्सीजन कम होना यानी हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाता है सीओपीडी वाले पेशेंट्स में। अभी इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट की सीओपीडी ट्रीटमेंट में स्मोकिंग स्टॉप करना, अगर स्मोकिंग की वजह से है तो। अगर वो ऑक्यूपेशन की वजह से या पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम से है तो उसको अगर हो सके उतना कम करना। एक बार ये डैमेज कंट्रोल हो गया तो उसके साथ हम पेशेंट्स को मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिसमें मेन ट्रीटमेंट होता है इनहेलर्स और ऐसी मेडिसिन जिससे कि सांस की नली में जो सूजन आती है वो कम हो जाए, जो बलगम बनता है वो क्लियर होना ज़्यादा चालू हो जाए और पेशेंट को सांस हो सके उतना नॉर्मल होना चालू हो जाए।